गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम आपका जो आप हमें सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे का नेम है हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है जब जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो बच्चों जलमंडल हाइड्रोस्फीयर होता क्या है? देखो बच्चों, अर्थ पे जिन चीज़ों में कि जिन पार्ट्स में क्या पानी पाया जाता है उसको, वो सब चीज़ें किस में आती हैं? जलमंडल में आएंगे, हाइड्रोस्फीयर में। तो बच्चों पानी के कौन कौन से सोर्स हैं अर्थ पे? सॉरी, जो आपके जो ओशियन हैं यानी कि महासागर, सी, समुद्र, रिवर, लेक्स, ये सब क्या हैं? आपके सोर्सेज ऑफ वाटर हैं अर्थ पे। तो ये सब किस में इंक्लूड होंगे? आपके हाइड्रोस्फीयर में आएंगे, ठीक है। वाटर, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे इसको, द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, ओशियन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स टुगेदर आर कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। यानी कि जो अर्थ फेस पे आपके वाटर बॉडीज हैं, ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। बच्चों आपको अच्छे से पता है कि जो हमारी अर्थ है उस पर जो है मोस्टली क्या है? पानी पाया जाता है। कितने परसेंट भाग पर पानी है अर्थ पे? 2/3 पार्ट पे। कितना? 2/3 भाग पे क्या है? पानी ही है, यानी सबसे ज़्यादा क्या है? पानी है। और अर्थ पे पानी है इसीलिए यहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है। तो अर्थ की आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके 2/3 पार्ट पे अर्थ पे वाटर बॉडीज पाए जाते हैं। फिर क्या है बच्चों, अब उसमें भी अगर 2/3 पार्ट पे पानी है तो पानी कैसा है? मोस्टली यूजेबल नहीं है। क्या हम उसको यूज़ नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो पानी किस में है? ओशियंस में है। और वो कैसा है? सॉल्टी वाटर है, यानी कि खारा पानी है। उसमें नमक घुलनशील है, नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ना तो हम पी सकते हैं, ना हम उससे काम कर सकते हैं। तो जो जो ग्लोब पे यानी कि अर्थ पे जो मोस्टली पानी है वो किस में है? 97% जो है ओशियंस में है, समुद्र में है। 97% पानी, सिर्फ जो है 1% जो है यूजेबल पानी है। यानी कि जितना ही पानी है उसमें सिर्फ हम 1% पानी ही यूज़ करते हैं। सोचिए कितना पानी होगा। अब उसके बाद है बच्चों जो हम उस पानी को क्यों, जो 97% पानी है जो ओशंस में है उनको हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि वो कैसा है? सॉल्टी वाटर है। उसमें जो है नमक होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब जो समुद्र में कितना नमक है, वो कितना सॉल्टी वाटर है, वो कितना सैलिनिटी, सैलिनिटी मीन्स खारा, कितना सैलिनिटी वाटर है, वो कैसे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपके जो पानी जो ओशन में इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन मीन्स आपको पता है वाष्पीकरण, जो पानी जो है भाप बन के जो उड़ता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। अगर पानी ज़्यादा भाप बन के उड़ रहा है तो क्या सॉल्ट ज़्यादा बचेगा, तो जो पानी होगा वो सॉल्टी वाटर होगा, है ना। और इवेपोरेशन अगर कम हो रहा है तो पानी ज़्यादा होगा और कैसा होगा? कम खारा होगा, कम सॉल्ट, लेस सॉल्टी वाटर होगा। और दूसरा, पानी की खारता किस बात पर डिपेंड करती है? वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर एडेड टू द ओशन वाटर, उनके उसमें कितना जो है फ्रेश वाटर आके मिल रहा है। मानो ओशन है, उसमें नदियों के थ्रू पानी आ रहा है, तो अगर उसमें ज़्यादा पानी आके मिल रहा है तो पानी कैसा होगा? लेस सॉल्टी होगा। और अगर जो ओशन है उसमें जो है कम आके पानी रिवर से आके मिल रहा है ना, कम रेन वाटर ऐड हो रहा है, उसमें कम लेक से पानी आ रहा है, तो क्या होगा? वो वाटर जो है मोर सॉल्टी होगा। अब पानी जो है वो सॉल्टी होता क्यों है ओशंस का, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्यों होता है सॉल्टी वाटर ओशंस में, क्यों होता है बच्चों? जो आपको पता है ओशन में पानी आता कहाँ से है? बच्चों लेक, जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं लाइक लेक्स, रिवर्स, ये सब क्या होती हैं? ये सारे मतलब पूरी दुनिया में घूमती रहती हैं, यानी कि होकर गुजर कर सारी दुनिया मतलब देशों से, अलग अलग देशों से जाके कहाँ मिलती हैं? गिरती हैं समुद्र में, गिरती हैं ओशंस में, गिरती हैं, है ना। इनकी सारा पानी जाके कहाँ मिलेगा? ओशंस में मिलेगा। अब क्या होगा, जो नदियाँ बह के गई हैं वो अपने साथ क्या बहुत सारी जो है गंदी चीज़ें, या फिर जो जो मिल नहीं पाती हैं वो चीज़ों को ले जाके समुद्र में गिराती हैं, इसलिए वहाँ का पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है, ठीक है बच्चों। आप ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे,
फिर बच्चों नेक्स्ट आपका इसके बाद, अब दूसरा जो है एक एवरेज जो है कि सैलिनिटी जो वाटर है ओशियन में वो कितना परसेंट है, ये भी हम पता होना चाहिए कितना सॉल्ट सॉल्ट होता है। अगर हम समुद्र में देखें तो कितना सॉल्ट होगा, तो बच्चों जो एवरेज है वो 35% है, क्योंकि 35% है वो क्या होगा उसमें सॉल्ट होगा समुद्र में, है ना। और जो आपने एक डेड सी का नाम सुना होगा, ये क्या है, एक समुद्र है डेड सी जिसको जिसका पानी जो है सबसे ज़्यादा खारा है, ये एक समुद्र का नाम है, एक ओशन का नाम है डेड सी, इसमें जो है पानी सबसे ज़्यादा खारा है, उसमें जो है सैलिनिटी की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 45% है। तो यानी कि जो उसका 45% होगा, 45 जो भाग है वो उसमें सॉल्ट है, नमक है, और जो एवरेज है वो 35 है, जो बाकी सब जो समुद्र में पानी है उसमें 35% जो है सॉल्ट मिलेगा। इसके बाद है बच्चों आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम पढ़ेंगे आपका इसका मेजर वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की जो मेजर वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा ओशियन है, ओशियन में 97% वाटर है और टोटल वाटर बॉडीज़ का, तो हम वो पढ़ेंगे कि बच्चों कितने हमारे दुनिया में कितने ओशियन हैं। तो बच्चों 4 मेजर ओशियन हैं, कौन कौन से, पैसिफिक जो कि क्या है सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओशियन है, एटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो बच्चों आपके 4 मेजर वाटर बॉडीज यानी मेजर ओशियन हैं, एटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक और आर्कटिक। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट है, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं है, फर्स्ट है बच्चों आपका पैसिफिक ओशियन। ये क्या है, ये सबसे क्या है, इट इज़ द बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर कौन सा है, तो आपका पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशन का ही नाम हिंदी में प्रशांत महासागर है, और ये सबसे क्या है, सबसे बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशियन है दुनिया का। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आपको थोड़ा पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब करती हूँ, वो आपको अच्छे समझ आएगा। देखिए जो पिक्चर है इसमें पैसिफिक ओशन कहाँ है, देखिए ये रहा आपका पैसिफिक ओशन। तो ये कहाँ कहाँ पे है, ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका, सॉरी अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हैं, इनको एशिया से और ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। तो बच्चों आप यहाँ से देखेंगे इसको, इट सेपरेट्स अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये याद रखेंगे, जो आपका पैसिफिक ओशन है आपका अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट यानी कि अलग करता है। एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट स्पेंड ओवर अ लार्जर एरिया दैन द एरिया ऑफ द ऑल कंटिनेंट। और ये जो है सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, ये सबसे ज़्यादा कंटिनेंट्स को कवर करता है। फिर इसके बाद आपका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ओशियन, दैट इज़ एटलांटिक ओशियन। अब एटलांटिक ओशियन क्या है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सबसे बिजीएस्ट ओशियन है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा बिजी ओशियन है, यानी कि इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है, ट्रैवल होता है, जैसे आपके वो हो गए जहाज़ वगैरह, तो इस पर सबसे ज़्यादा जाते हैं। आपको पता है ट्रांसपोर्ट का काम होता है देशों के बीच में, वो किससे होता है, समुद्र से होता है, ओशन से होता है सॉरी। तो ये सबसे बिजीएस्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैवल होता है। और ये कहाँ है बच्चों आपका, इट सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका।
ये जो है यूरोप को और अफ्रीका को नॉर्थ और साउथ अमेरिका से अलग करता है। तेरे बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। बच्चों इसका नाम ही क्या है, महासागर का नाम ही इंडिया के ऊपर है। इट लाइज बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बच्चों आपके जो 7 कंटिनेंट हैं उनमें से 3 अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हैं। और इट इज़ ओनली ओशन विच इज़ नेम आफ्टर अ कंट्री, इंडिया। और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नेम किस पे है, इंडिया के नेम पे है। बिकॉज इन एंशंट टाइम मैनी यूरोपियंस एंड अरब ट्रेडर्स यूज टू ट्रेड विद द इंडियन इंडिया थ्रू द दिस ओशन। क्यों है बच्चों इसका नाम इंडिया इंडिया के ऊपर, क्योंकि जो है प्राचीन समय में जो आपके यूरोपियन और अरब ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो जो है जो इंडिया से ट्रेड जो है इस ओशन के द्वारा करते थे। फिर आपका लास्ट वन आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन क्या है बच्चों, इट्स अराउंड द नॉर्थ पोल एंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ये बच्चों आपका नॉर्थ पोल में है, जो अर्थ का आपका ऊपरी भाग है, नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे है आर्कटिक ओशियन। और ये आपका कहाँ कहाँ पड़ता है, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ये नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में और एशिया के नॉर्थ में है, सिचुएटेड है। ए नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट इट विद द पैसिफिक ओशियन। अच्छा जो नैरो स्ट्रेच है उसका नाम इस जो इसमें पड़ता है वो बेरिंग स्ट्रेट है, जो इसको किससे कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। और नेक्स्ट बच्चों इसमें ये देखा, पार्ट ऑफ द ओशन आर कॉल्ड सीज। जो ओशन के आपके कौन कौन से पार्ट होते हैं, सी, गल्फ, बेज, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल मेडिटेरियन सी, रेड सी, जापान सी, चाइना सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, बे ऑफ बंगाल। ये बच्चों आपके जो ओशंस के नेम हैं, जो ओशन में जो भाग पड़ते हैं उनके नेम हैं, जो आपको सब बताए हैं। अगर उसके बाद बच्चों आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन, क्या हमने ओशन के बारे में जाना कि उसमें सबसे ज़्यादा पानी रहता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों है बच्चों? पहला तो ये कि ये सबसे जो है अर्थ पे सबसे बड़ा वाटर बॉडी है ओशियन, है ना? और दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड सी फूड सच एज। इसमें क्या बच्चों, सी फूड पाए जाते हैं, जो समुद्र भोजन रहते हैं वो पाए जाते हैं। इसमें बहुत समुद्र में क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, और क्या है इसमें डिंग ऑयल एंड जो है मिनरल ऑयल भी ओशन से प्राप्त किया जाता है। दूसरा इसमें क्या है, जो है ओशन में फिश पाई जाती हैं, फिश रहती हैं ओशन में ही, मेनली फिश रहती हैं। और ये क्या है, बहुत से लोग क्या है फिश पकड़ के ही अपनी जीविका कमाते हैं, यानी कि इनके जीवन का साधन क्या है, फिशिंग है, जो कि ओशन पर निर्भर है। दूसरा सबसे बड़ा आपको मैंने बताया इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार करता है वो किसके थ्रू करता है, ओशन के थ्रू करता है। तो ये क्या है, मस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड बाय द शिप्स विच पास थ्रू ओशन। फिर इसके बाद ओशन मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। अब जो कोस्टल एरिया होंगे, ओशन के किनारे पे जो एरिया होंगे, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके ओशन पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों इसलिए ये आपके हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन। तो बच्चों इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बस इतना ही पढ़ाऊँगी इसमें, और आप इसे अच्छे से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है बच्चों? और इसका बुक वर्क फाइंड करेंगे। और अगर आपको वीडियो देखी है, आपने समझ में आती है, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आई है और आपने देखी है। और उसके बाद बच्चों आप जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, लेकिन आप बुक वर्क आप कोशिश करेंगे कि आप सर्च करें, क्योंकि जब तक आप क्लास में ही तो टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तो आप जो है ऑनलाइन में भी टीचर्स के साथ थोड़ा सहयोग करें, जिससे कि ना आपको प्रॉब्लम आए ना हमको इतनी प्रॉब्लम आए। थैंक यू बच्चों।